टू माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल जी। तो आज के वीडियो में मैं आपको इंस्टाग्राम का न्यू जो मैसेंजर अपडेट है उसके बारे में बताने वाला हूँ और कैसे अपडेट करना है उसका फुल डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में पूरा बने रहिए और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं ये अपडेट जो है सब फोन में अब आ चुका है। ये अपडेट जब लॉन्च हुआ था तो कुछ मतलब एक महीने पहले कुछ फ़ोन में ये अपडेट आ चुका था और लगातार कुछ फ़ोन में आ रहा था, लेकिन अब आज और आज के बाद से ये अपडेट लगभग सभी इंस्टाग्राम यूजर्स के पास चला जाएगा। और क्या क्या इसका फंक्शन है इस वीडियो में आपको फुल फंक्शन के बारे में भी बताऊंगा, तो वीडियो में पूरा बने रहिए। तो चलिए अभी चलते हैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पर और बताते हैं कि कैसे अपडेट करना है। तो जब आप अपना इंस्टाग्राम ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर शो हो जाएगा इस तरह का, और यहाँ पे लिखा रहेगा देख सकते हैं यहाँ पे देयर ए न्यू वे टू मैसेज ऑन इंस्टाग्राम और चेंज। अब कौन कौन सा फंक्शन आपको न्यू मिला है वो सब फंक्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं चेंज योर चैट कलर, रिएक्ट विथ एनी इमोजी, स्वाइप अप टू रिप्लाई मैसेज, और यहाँ पे देख सकते क्रिएट सेल्फी स्टिकर्स, ऐसा आपको ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे जो अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपल से अगर आप अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका डाउनलोड भी नहीं होगा, डायरेक्ट आपका इंस्टाग्राम अपडेट हो जाएगा। और अपडेट होने के बाद चलिए आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या न्यू फंक्शन है इंस्टाग्राम में। तो अपडेट होने के बाद जब आप इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ सेम टू सेम वही सब फंक्शन आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे आपको मैसेंजर का एक आइकन दिख जाएगा। मैसेंजर के आइकन पे क्लिक जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपको सब एसएमएस दिख जाएगा। और यहाँ जैसे मैं कोई भी चैट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मान लीजिए अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं कलर आपका पूरा, मतलब जैसे आप एसएमएस किसी को करते हैं तो उसका कलर आपको चेंज दिखेगा। और यहाँ पे जब कलर चेंज दिखेगा और यहाँ पे देख सकते हैं अब जैसे मैसेज आप किसी को रिप्लाई करना है तो ऐसे आप स्वाइप अप करके डायरेक्ट उस मैसेज का रिप्लाई भी कर सकते हैं व्हाट्सएप की तरह। और अभी आपको कुछ न्यू फंक्शन बता रहे हैं, यहाँ पे अगर आप इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक थीम का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे थीम के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा थीम आपको दिख जाएगा यहाँ पे। जैसे चलिए मैं फर्स्ट वाला थीम आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये थीम अप्लाई कर दिया तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा व्हाट्सएप में आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते थे वैसे सेम टू सेम आप इंस्टाग्राम में भी अपने चैट का बैकग्राउंड चेंज कर पाएंगे और चैट का कलर भी चेंज कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपडेट आया है जो कि इंस्टाग्राम की तरफ से। और इसमें एक नया फंक्शन ये आया कि आप मैसेंजर वाले जो आप अगर व्हाट्सएप मैसेंजर यूज करें वो क्या बोलते हैं फेसबुक मैसेंजर अगर आप यूज करते हैं तो आप फेसबुक के फ्रेंड को भी यहाँ से मतलब एसएमएस कर पाएंगे। और यहाँ पे मतलब आपको बहुत सारा थीम मिल जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे चलिए कोई और थीम आपको लगा कर दिखा देते हैं। तो ये थीम आप देख सकते हैं ब्लू टाइप में, ऐसे आप कोई भी थीम अपने मनपसंद का आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये अपडेट कैसा लगा आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पे आप यूजर नेम देख सकते हैं Jigor857। तो बस इस वीडियो में इतना ही बताना था, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।